हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ए न्यू डे। और कैसे हैं आप सब? होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। एंड मेरा अभी हो रहा है ब्रेकफास्ट। आज ब्रेकफास्ट में है पराठा। सो हम एक्चुअली लंच के लिए पराठा लेके गए हैं और मैं अभी एक पराठा खा ले रही हूँ क्योंकि लंच पे मेरा रहेगा सैलड और साथ में एज यूजल चाय। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. तो ब्रेकफास्ट हो गया और आज मैं बैठी हूँ आप लोगों से थोड़ा बातें करने। और आज है मेरी मम्मी का बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे टू हर। और नॉर्मली ऑब्वियसली उसके लिए आज स्पेशल डे है। और लास्ट ईयर बर्थडे पे मैं घर पे थी और मैं चली गई थी। तब तक निमान का स्कूल छुट्टी हो गया था, तो लास्ट ईयर बर्थडे पे मैं घर पे थी। और आज इस बार तो नहीं हूँ, इस बार उसका स्कूल चल रहा है। आप लोग विश करो उसके गुड हेल्थ के लिए। और चलो आज ना कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, बट बहुत काम पड़ा है। अभी मैं जल्दी जल्दी फिनिश करूं, फिर आज का डिश स्टार्ट करेंगे। और आज क्या बनाऊँ, दो डिश है, अब दोनों में मैं कंफ्यूज हूँ। आज एक बनाऊँ, कल एक बनाऊँ, तो दोनों में से मैं सोच रही हूँ मैं आज क्या बनाऊँ। तो चलो पहले मैं काम फिनिश करती हूँ, फिर जो मूड करेगा वही वाला पहले। तो आ गई मैं वापस। एक्चुअली थोड़ा बहुत कुछ काम था जिसके लिए बिजी थी। और अभी चले आज डे नंबर 6 का बनाते हैं जल्दी। थोड़ा मुझे लेट हो गया यार, हर दिन लेट हो जाती है। क्या करें, काम और काम, घर के काम, बाहर के काम, अपने काम, काम और काम, खत्म ही नहीं होते काम। बैठ जाओ। तो आज है डे नंबर 6 और आज का डिश है कांजी वड़ा। जैसे कि होली में कांजी वड़ा तो बहुत बनते ही है। और मेरा फर्स्ट बार का एक्सपीरियंस है कांजी वड़ा का है, जब मैं छोटी थी, नॉट छोटी, लाइक 10 12 इयर्स की होंगी, तब एक मैरिज फंक्शन में मैंने खाया था। और जैसे मतलब कांजी वड़ा का दीवाना हो गई थी मैं तब से लेके। पहले पहले तो मम्मी को पता नहीं था कि कैसे बनाते हैं, क्योंकि उस ज़माने में ना ही ऐसे यूट्यूब था या कुछ था कि कैसे करते हैं क्या करते हैं। फिर पापा को पता था, तो फिर थोड़ा बहुत वैसे ही। घर पे तो कभी बनाते नहीं थे, बट हाँ बाहर बहुत बार खाया है। और उसके बाद हमेशा मैं कभी कभी बना ही लेती हूँ। जब से बनाना सीख गया तब से, तो जब से जान गई रेसिपी तब से तो खुद ही बना लेती हूँ। और ठीक है, बनाते हैं कांजी वड़ा। तो ये है कांजी, जो कि आज फोर्थ डे है मैं इसको ओपन कर रही हूँ। ऑलरेडी 3 दिन पहले से ये बनाया हुआ है और फिर फर्मेंट हो रहा है, तो आज ऑलरेडी ये हो गया। आप देख सकते हो ये जो सरसों के दाना मतलब पाउडर सा वो ऊपर में पूरा फ्लोट कर रहा है। इसका मतलब यही होता है कि जो आपका अच्छे से फर्मेंट हो गया है। तो पहले हम लोग देख लेती हूँ, मैं 4 डेज़ का ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, तो पहले मैं उसको बता देती हूँ ये कैसे बनाते हैं। और फिर इसको वही अच्छे से मिक्स कर लेना है, और कोई कोई इसको स्ट्रेन भी कर लेता है, बट मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। तो कांजी बड़ा बनाने के लिए सबसे पहली बात है उसका जो कांजी। तो कांजी का मैंने ऑलरेडी 3 डेज बैक इसका बनाया है, तो अभी मैं डाल दे रही हूँ उसका वीडियोस और फिर आगे के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कांजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यही सेम पतीले में मैं बनाने वाली हूँ, तो इसी में ही 1 लीटर पानी लिया है। मुझे ज़्यादा नहीं बनाना है, तो आप उस हिसाब से अपना अपने हिसाब से अपना क्वांटिटी लीजिएगा। और पानी को मैंने 2 मिनट के लिए उबाल लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है मस्टर्ड सीड 1 टेबल स्पून, सॉल्ट 1 टेबल स्पून और टर्मरिक 1 टेबल स्पून। और इसका एक फाइन सा पाउडर बना लेंगे, पूरा अच्छे से स्मूथ सा पाउडर बन जाएगा इसका। आप जितना क्वांटिटी में पानी ले रहे हो उस हिसाब से ये आप अपने हिसाब से अंदाज करके ले लेना। और लाइक मैंने वो 1 लीटर में 1 1 टेबल स्पून ऐड किया है। और फिर
ये देखिए ये कितना स्मूथ सब पूरा पाउडर बन गया है। और अभी इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून दही, और इसको आप चाहो तो ऐसे ही मिक्स कर लेना है, मैं इसमें था तो इसीलिए थोड़ा सा मिक्सी में घुमा लिया। और फिर ये वाला पेस्ट को ये पानी को होने देंगे पूरी ठंडा, थोड़ा सा भी गर्म रहने की ज़रूरत नहीं है, तो छोड़ दीजिए पानी को बहुत देर के लिए। फिर ये ठंडा हो जाए तो इसमें वो मस्टर्ड वाला पेस्ट वो ला के डाल देना है पूरा। और फिर जितना था सारा मैंने इसमें ऐड कर लिया है, और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। और सॉल्ट और थोड़ा मेरे को लगता है ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए मैंने और थोड़ा सॉल्ट ऐड किया था। आप इसको कोई भी फूड ग्रेड प्लास्टिक कंटेनर में बना सकते हैं, या तो फिर कांच का कंटेनर हो, बस पीतल का या तांबा का, वो सब में नहीं करना है क्योंकि अभी इसको पूरा रखना है इसको फर्मेंट होने के लिए, तो मैंने इसको पूरा एयर टाइट बंद कर दिया है। अब ये आज के लिए पूरा रहेगा, फिर नेक्स्ट डे मैं इसको ओपन करूँगी। तो आज फिर से इसको ओपन करेंगे, उसको आप अगर कंटेनर में रखे हो तो अच्छा है, अच्छे से उसको एक बार में डब्बा को खोलो और अच्छे से मिक्स कर लो, और फिर से उसको बंद करके फिर छोड़ देना है। ऐसे ही 3 दिन तक उसको ऐसे ही मिक्स करना है, दिन में जिस दिन में किया है जिस टाइम में आपने किया है उसी टाइम में हर दिन उसको निकालना है, उसको थोड़ा सा बस मिक्स करना है और फिर छोड़ देना है। और यहाँ पे ये जो बड़ा दिख रही है, कल जो दही बड़ा बनाए थे वही वाले बड़ा है, बाकी का जो बैटर था उसमें मैं ऐसे कंटेनर में बना के ये आराम से आप फ्रिज में रख दो 3-4 दिन के लिए, कुछ नहीं होंगे। और जब आपको यूज़ करना है बस निकालो, ऐसे थोड़ा सा वार्म पानी लो और वार्म वाटर में थोड़ा सा जैसे ही सॉल्ट और हींग मिलाना है, थोड़ा सा हींग ज़रूर मिलाइए, हींग से अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो दोनों को मिक्स करके जितना बड़ा आपको चाहिए बस उसमें डाल के 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, और फिर बाकी जितना बड़ा है उसको आप फिर रख दो 3 to 4 days। ये बड़ा बहुत ऐसे ही अच्छा रहते हैं, इसमें कुछ भी नहीं होगा, आप दही बड़ा बना सकते हो, कांजी बड़ा बना सकते हो उससे। तो अभी हो गया है 10 मिनट, और अभी बड़ा को सारा मैं स्क्वीच करके उसका सारा ऑयल निकाल दिया है, और यहाँ पर मैं कांजी बड़ा शॉर्ट्स बना रही हूँ, तो ऐसे छोटे छोटे ग्लास में सर्व करने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने डाल दिया है बड़ा, और अभी इसमें ऐड करेंगे कांजी, और फिर उसके ऊपर से बस थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर मैंने ऐड किया है, बस वैसे ही देखने में अच्छा लगता है, आप चाहो तो ऐड करो नहीं तो नहीं। और बस बन गए अपने कांजी बड़ा होली के लिए रेडी। तो अभी टेस्टिंग टाइम, कांजी बड़ा ऐसे में भी मेरा हमेशा ही मुझे पसंद है, ये कि अभी थोड़ा थोड़ा गर्मी पड़ने लगी है ना, तो इस टाइम के लिए कांजी सबसे बेस्ट होता है। तो ऑब्वियसली बनाइए घर पे और खाइए। होली में आज को मिला के 6 डिश हो गए, एक तो होने से भी बनाई है, और चलो बना के मुझे बताना आप क्या बनाया घर पे होली पे इस बार। तो चलो आज का वीडियो तो फिर यहीं पे एंड करते हैं, और कल लास्ट 7 नंबर, और यहीं पे एंड करते हैं। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, फिर मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, ठीक से रहिए, घर पे रहिए, होली में एंजॉय कीजिए, बहुत सारा खाइए और सुस्त रहिए। चलो बाय।